तो जी माशाल्लाह से मैडम हमारी जो है लगा रही हैं आग, जो इनका काम है आग लगाना और बुझाना मेरा काम है। और अच्छा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी उसमें तो ले आई है पत्ते, जाकर बाग में चली गई थी और मैं उठी हूँ, घंटा हो गया तकरीबन मुझे, और क्योंकि तबीयत भी मेरी ज्यादा खराब थी। फिर अब लगी हूँ मैं चाय बनाने, जी जिसने पीनी है तो आ जाए। चाय के नाश्ता? नाश्ता आपने करना है सर, बनाओगे तो खिलाओ, खिलाओगे ना? चले बना लेती हूँ, मेहरबानी जरा। रखी है रात की? जी जी, चाय बना लेती हूँ। जी 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 जी, कुछ तो करे ना वो, हमारे इस दोजख में, पेट की दोजख में भी कुछ जाए। जाएगा इंशाल्लाह सर, मेहरबानी जी। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बकरों को पत्ते डालने हैं। अच्छा, आम की लकड़ियां इकट्ठी करके लाई है उज़्मा, तो मैंने कहा पत्ते डाल दूं, कच्चे पत्ते हैं वो, गीली लकड़ी है। सही सही, हाँ ये तो नहीं जलेंगे, जो उनसे नहीं जलते आपने बांध, ये इन पे डाल दें, गीली है ना, ये खा लेंगे ये तो। सही है, आप भी पत्ते लेने के लिए गए थे? लकड़ियाँ फिर पत्ते नहीं लाए, लकड़ियाँ लाए थोड़ी सी ना। आंटी जी धो रही हैं बर्तन। हाँ जी मैं धो रही हूँ बर्तन। अस्सलाम वालेकुम बहन बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। हाँ जी बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू मैंने लगा रही है, बर्तन धो रहे थे मैंने कहा धो लूँ। आज किचन की जो है समेटा समाटी शुरू हुई हुई है और किचन को समेटा जा रहा है, और उज़्मा और बाजी रिहाना जो है किचन समेट रही है, और जो सामान किचन का है वो उसमें बस खाने पीने के चंद बर्तन रखने इन्होंने बाहर, और बकाया चीजें जो है इन्होंने पैक कर देनी है। सब समेट लिए कि एक दिन बाकी, हमारे पास दो दिन तो ज्यादा तंगी ना हो हमें, जो दो चार बर्तन वो हमने रख लिए बस। बकरी मैंने पकड़ी है, खुद हम दूध निकाल रहे हैं बकरी का, दूध बकरी का। जी जी बकरी का। ये मामू, मामू दूध चो रहे हैं, और आंटी, आंटी ने बकरी को पकड़ा हुआ है, मामू जी पिला रहे हैं बकरी को दूध। तो जी ये रोटी हमारी तली जा रही है, और माशाल्लाह से मैडम हमारी जो है घी लगाकर रोटी तल रही हैं रात की, और हमारा नाश्ता तकरीबन ज़्यादातर यही होता है कि रात की रोटी हम घी लगाकर तल लेते हैं, वही खाते हैं, क्योंकि रात की हमें अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है, और रात की रोटी में वैसी बड़ी ताकत है। ऐसी है सर? जी जी, हाथ भी जल गया। कोई बात नहीं, चल से रेहाना बाजी और उज़्मा बैठी कर रही हैं नाश्ता दोबारा से। हाँ जी दोबारा से, नहीं मैंने तो सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था, मैं तो अब बस चाय पी रही हूँ और बाजी रेहाना कर रही है। अच्छा अच्छा, और जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है आए और हमारे साथ मिलकर करें नाश्ता। किधर? आटा लेने जा रहे हैं हम, जो आटा उस दिन पिसने के लिए दिया था। आटा। क्या लेने जा रहे हैं? आटा। और मोहम्मद, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। देखो करा गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी कैसे चलती है, कैसे हम जा रहे हैं कैशा को लेने के लिए, और कुछ सब्जी भी पकाने के लिए लेते आएंगे, हरे भरे खेत, मतलब यहाँ की याद तो आएगी। हमें यहाँ पे सहूलियात होती, टेंशन होती ना, ये कैशा को हमने स्कूल से ले लिया हुआ है, कैशा बैग मुझे पकड़ा था, ठीक है बैठो। चावल वो ले आए, क्या कहते इसे, बैठ के फट्टे वगैरह निकाल रहे हो? चलो निकाल। कैशा को लेने के लिए गए थे तो वहां पे रास्ते में हमारे पास मालिक मकान का मालिक की कॉल आ गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जैसे भी होता है हमें एक कमरा इंसाना खाली कर दें। अब जाहिर है फ्रिज वाला कमरा तो खाली नहीं था, क्योंकि स्टोर में भी काफी सामान पड़ा हुआ है। फिर हमने कहा जिसमें ये बेड ड्रेसिंग दूसरा लगा हुआ ना, वही कमरा इंसाना खाली कर देते हैं। उनकी भी को पेटियां आ रही है, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे इस घर में, अगर हम ना जाते तो वो भी वापस ना आते, हमारी वजह से उन्हें भी अपने घर में वापस आना पड़ रहा है। चले हमें खुशी तो इस बात की, क्योंकि वो तो अपने घर में जा रहे हैं,
हम फिर रेंट के घर में जा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाएं ये दुआ करें कि उसके बाद हमारा अपना ही घर हो। हाँ जी, होने लगा है कमरा खाली। हाँ जी, करना तो पड़ेगा ना। ये तो है, बेड खोलने लगे हैं जी। चल सही। हाँ जी, उसमें आप क्या कर दी? हाँ जी, हम कमरा खाली कर जी। तो मम्मा आज चटनी बना रही हैं। मैंने कहा दिन में ना आप चटनी बना लेते हैं, तो शाम को वो बना लेंगे गोभी। गोभी हम लेके आए हैं, बहुत महंगी सब्जी हुई है। 150 रुपए का ये फूल मिला छोटा सा, जो मेरे ख्याल से 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है बस। ये कहते महंगाई ने कमर तोड़ दिए, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो सफेद पोश है। बस इससे बेहतर तो गोश्त है, गोश्त ला के पका लें। और खुद हम अब जो उनसे ना अंदर वो कर रहे हैं, बेड खोल रहे हैं, क्योंकि हमारी मालिक मकान का मैंने बताया आपको फोन आया। अच्छा, उन्होंने कहा जी मुझे एक कमरा उनसे ना खाली कर दें। इधर स्टोर में भी सामान, इधर भी सामान, हमने कहा अभी तो नहीं, हम दूसरे घर में भी हम होके आए हैं, तो अभी तो उन्होंने भी अपना सामान नहीं समेटा है। देखिए क्या बनता है। आंटी चटनी कूट रही हैं जी, खुद हम रोटी लगवा लेंगे ना तुम दोस्तों ने बेड वगैरह खोल लिया हुआ। मैंने कहा मैं चटनी बना लेती हूँ, सालन शाम को बनाएंगे। तो बस मालिक मकान ने अचानक से परेशान कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई आज ही मेरा जनसन है दम खाली कर दें। तो बस परेशानी तो फिर बनती है ना, क्योंकि खुद हमने अपने किसी काम से भी जाना था, वहाँ भी नहीं जा सके अभी तक। मैंने कहा मुझे तंदूर से रोटी भी लगवा कर ला दें, थोड़ी दूर जाना पड़ता है, तो क्योंकि गर्मी इतनी लकड़ियाँ नहीं है उसमें लेके तो आइए, लेकिन उन पर रोटी नहीं बन सकती। तो जी माशाल्लाह चटनी हमारी हो चुकी है तैयार। ये है हमारा इंतखाबी निशान, फेमस चटनी। और ये हमारी मैडम जो के चटनी पीस रही हैं इस वक्त। खुद हम तो थक चुके हैं, क्यों थक चुके हैं, इन्होंने सामान खाली करना है कमरे में से, और इस टाइम है भी बहुत ज्यादा परेशान। अकेला आदमी हूँ, परेशान तो होऊंगा यार। लाला जी को कॉल किया ना, चल लाला आ जाते हैं। चले अल्लाह ख्याल रखेगा, लाला आए तो फिर कोई मामला भी सेट हो हमारे। चलो कोई नहीं, अब एक कमरा तो उनको देना ही पड़ेगा खाली करके। हाँ जी, कुछ भी हो उसमें क्यों हंस रही है? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आज हम कुछ सुकून से बैठे होते, चले आज कुछ रेस्ट करते हैं, अचानक से फिर परेशानी बन गई है, तो फिर कोई भी काम करना पड़ रहा है, इसलिए हंस रही हूँ। कोई नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। यार ये बातें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं? ये पूछे कि ये मेरे साथ ही क्यों होती हैं? नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ कहूंगा। तुम तो बैठी हो सुकून से चटनी पीस रही हो, पता है कि सामान तो इन्होंने ही निकालना है सारा। चले तंदूर पे रोटी भी लगवा के ला दें फिर यहाँ से आज। बस बीच में तुम्हारी ये टांग भी है, बंदा यूं नहीं रोटी घर बना ले। लकड़ियां हैं इतनी बताए मुझे, बंदा पत्तों का एक गट्टू भरवा लेता है यार बच्चों से। हाँ चलो ला दो भर के। बच्चों से कहा है मैंने, खुद से नहीं कहा। बच्चे पड़े हुए वहाँ पे, पत्ते पड़े हुए हैं। अगर सफाई हुई थी तो हमारे पीछे कोई आ सकता है मोटरसाइकिल पे, पत्ते फटाफट उठा कर ले, और हमारे आने से पहले रोटी पक जाए। हाँ, हम 2-3 और गट्टू भर लेंगे। ठीक है भाई। नहीं ये तो मुश्किल है। ये भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस वक्त। भाई की हालत सही नहीं है। चलो मैं वहाँ जाती हूँ, जल्दी से जल्दी। तुम्हें छोड़ के जिंदा रहना मुश्किल है रे बाबा, मुश्किल है। हाँ जी हाँ। चलो बैठे हुए हो खुद, हम बच्चों के साथ, आप भी बच्चे हैं। हम तो पैदा ही बच्चे हैं। सर उठे, आंखें खोलें। ठीक है, मुझे वो ला के दें, रोटी लगवा के ला दें। सर वो पेड़े तो बना ले, घर की गरम गरम रोटी अच्छी लगती है ना, बाहर की बनवा के ला के दें आज। कैसा? सही कह रही। एक तो वो धूप का चमकारा पड़ता है, खुद हम की आंखें नहीं खुलती, मगर जब सामान उठाएंगे तो आंखें भी खुल जाएंगी और सोच में भी बढ़ जाएंगे ये क्या हुआ है। तो जी उज़्मा का देखते हैं क्या हाल हो गया है। मैं कह रही हूँ पेड़ है। इतने इतने बड़े? नहीं वो फिर बड़े होंगे ना पेड़, तो नरम रोटी बनेंगे। चल अगर छोटे करूंगी तो फिर वो रोटी सूख जाती है। चल अभी जल्दी कर दे, वो खुद हम जाते रोटी लगवाने। रुमाल भी ढांप देना, और क्योंकि मक्खी है बहुत ज्यादा। फिर चटनी तो मैंने पीस ली है ना, अब तो रोटी लग जाएगी, खाना खा लेते जल्दी से। जी जी ठीक, तो रोटी लगकर आ गई है, ले आओ, दे दो आंटी को, दो मेहरबानी सर आपकी। कुछ मत कहो, चुप ही रहो। ठीक है जी,
इन्हें कुछ नहीं कहते हम, सही है ना? सब नहीं खानी है। प्याज? हाँ जी, मैं काट रही हूँ प्याज और बारीक बारीक काट रही हूँ कि चटनी के साथ काम आ जाएंगे। चले, फ्रिज में ना लीमू भी रखे हुए हैं। जी तो सजावल जाओ मेरा बेटा, वहाँ पे ना अंदर दूधी रखी है, वो उठाते लो, सब खाना खाएं। उधर बिस्तर पड़े हैं, मैं वो भी धोने आज, ठीक है ना? मिलके ना खाना खा के ना वो भी धो लेते हैं। चले सूख जाएंगे, दो दिन अभी यहाँ पे और हैं हम, तो दो दिन में उनसे ना खासे कपड़े हमारे पहले भी सूख गए, अभी सूख जाएंगे, अभी कपड़े और भी इकट्ठे हुए। चलो आ जाओ बच्चों, खाना खाओ, बैठो सब, चल पाएंगे इधर करो। लाला जी का रिक्शा आ चुका है, जूम करके दिखाऊं, सजावल और वो बैठे हुए उसमें। देसी माहौल, देसी खाने, और उधर उज़मा भी बैठी है, वो भी खाना खा रही है। हम भी खाना खा रहे हैं, चटनी और प्याज। चल जिस बहन भाई ने खाना खाना आए और हमारे साथ मिलकर खाएं। लाइट जा चुकी है जी। चलो मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मा लेटी हुई हैं अंदर। चलो तो जी, ये कमरा हमने कर दिया हुआ है फारिग, और फिर ये कमरा कर दिया इनका, तो क्योंकि आज इनका सामान आना है तो मैंने कहा यहीं लगवा देना सामान। ऐसे बॉस? हाँ, ये मुकम्मल ही खाली हो चुका है तकरीबन, और मैडम कह रही है कि मैं ज़रा झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि हमें भी ज़रा साफ सुथरा से ही मिला था, और नहीं इतना भी साफ सुथरा नहीं था, ये मट्टी मुट्टी तो थी, खैर ये नहीं था कि इसका मुंह निकला हुआ था बिल्कुल साफ सुथरा। घर में जब किसी का घर छोड़ दो, साफ सुथरा करके, साफ सुथरा करके, तो बिल्कुल ऐसे अच्छी तरह करो साफ आप। हाँ, ये सामान हमारा खुलकर इस कमरे में सारा इकट्ठा हो चुका है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है, और बाकी देखे बल्ला बारिश है आगे मकान खाली होता है या नहीं। क्या हुआ, कहाँ चली? मम्मा पास। अच्छा, तुम सारे यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? हैं? खेल रहे हो? खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें? को काम, काम को काम धंधा कर लिया करो यार। नहीं, हमको ठीक है, फिर करवा देते। हाँ मेहरबानी जनाब आपकी, करवा दो हमें काम। तो जी बेगम साहिबा ने हमारे कर दी है सफाई, और अब धो रही हैं हाथ, ऐसे ही जी। चले कोई नहीं, हो गया ना मामला तो क्लियर जी, सब हो गया। चलो ठीक जी, तो काम हमारा हो चुका है, और वीडियो में हमारी काफी बड़ी हो जाएगी, तो जो हमें पाकिस्तान इंडिया बिरोने मालिक जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं सबको मैं तो से अस्सलाम वालेकुम, और फिर दूसरा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थकावट भी काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि अभी कपड़े भी धोने बाकी हैं, सारा काम भी बाकी है, तो अब अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी, क्योंकि अभी इजाज़त ही चाहिए अब हमें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं उस घर में जाते ही अपनी जो है ना 18 के की पार्टी मना सकूँ। इंशाल्लाह हम अपने 18 के की पार्टी उस घर में जाकर मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों का आना, बच्चों का आना बहुत मुश्किल होता है, कि जो कक्षा के दोस्त वगैरह आया करते थे वो यहाँ बड़ी मुश्किल से आते हैं, काफ़ी दूर पड़ जाता है उन्हें यहाँ पे, तो कमरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है खाली एक, और इंशाल्लाह दो दिन तक हम ये मकान भी कर देंगे खाली, और उसके बाद देखेंगे। अभी तक हमें अगला मकान जो है वो फ्री नहीं हुआ, उनको आगे मकान नहीं मिला है, अब जब तक उन्हें मकान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उस मकान की वीडियो नहीं दे सकेंगे, हमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ हुआ है इस वक्त, तो इस चीज़ से हम परेशान भी हैं थोड़ा सा, तो देखेंगे बहरहाल अच्छा है, जो जैसा भी होगा, जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा, उसकी मर्जी के बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसके साथ चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान, इंडिया, बैरून मुल्क, जितने भी जहाँ जहाँ से हमारी पूरी दुनिया से देखने वाले हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल की तय गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके साथ चाहेंगे इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।